हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड सम देखे थे और उसमें एक कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुआ था। शायद कुछ स्टूडेंट ने पूछा भी था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना था, मैक्सिमा मिनिमा ये करना था, तो उसको शायद आप में से बहुत सभी लोग मोस्ट लोगों ने क्या किया होगा, उसको करेक्ट कर लिया होगा। तो और जिन्होंने नहीं करेक्ट किया है, वो केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल करके उसको करेक्ट कर लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, है ना। इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे नहीं इंटीग्रेशन का यूज क्या है। इंटीग्रेशन में अभी दो पार्ट्स होंगे, एक को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरे को बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और फिर हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अब इंटीग्रेशन में क्या करना है उसको हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड एट एनी टाइम टी इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज एक्स इक्वल टू टी रेज टू 4 माइनस 1/3 टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5 मीटर। देन फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू क्या है 1 सेकेंड। आपको क्या करना है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखना है आपको कि वेलोसिटी क्या होता है ना। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो एक होता है एवरेज वेलोसिटी और दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो हम डिटेल में देखेंगे जब हम मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी क्या लिखेंगे यहाँ, वेलोसिटी, वेलोसिटी वी इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स अपॉन क्या होगा, डी टी। आई मीन यदि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे, है ना, तो क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, ये क्या है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और टी यहां क्या है, टाइम। तो इस टोटल को हम क्या बोलते हैं, दिस टोटल इज कॉल्ड, आई मीन इसको हम कैसे रीड करेंगे, रेट ऑफ चेंज इन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है, है ना। क्या होगा, वेलोसिटी होगा। अब कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, और x के जगह हम वैल्यू रखेंगे तो d ऑफ x के जगह क्या लिखेंगे, टी रेज टू 4 माइनस 1/3 टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5। ये तो डिफरेंशिएशन आपको आता ही है, तो कितना हो जाएगा, 4 टी स्क्वायर सॉरी टी रेज टू 3 माइनस 2/3 टी प्लस 4। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब मैं ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये आंसर आएगा। अब v मिल गया, v किसी टाइम आपको क्या हुआ, मालूम चल गया, है ना। और ये वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई मीन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब याद रखना, वेलोसिटी क्या पूछा गया है, टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। आई मीन क्या लिखेंगे यहाँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 पे हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू 0 रख देंगे इसमें, तो वैल्यू मिल जाए, कितना मिला, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही आपका क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम क्या लिखेंगे, वी आई का मतलब क्या, आई स्टैंड फॉर इनिशियल, तो वी आई कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड, मालूम चल गया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कितने टाइम पे पूछा गया है, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू क्या है, 1 सेकेंड, तो फिर टी का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस क्या हुआ, 4, है ना।
अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 22/3 m/s। अब देखो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, उसको एक बार हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, वेलोसिटी मिला। अब एक्सेलेरेशन वेलोसिटी को जब एक टाइम और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक्सेलेरेशन। में तो याद रखना है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, सॉरी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। क्या होगा, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो। तो अब एक्सेलेरेशन या एक्सेलेरेशन जो अपन एक्सेलेरेशन को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या होगा, अगेन देखो डी वी अपॉन क्या होगा, डी टी। आई मीन ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी, और दिस इज, इसको हम क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज। क्या पढ़ेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड, कॉल्ड क्या होगा, एक्सेलेरेशन, है ना। तो जब आपको क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। जब वेलोसिटी को वन टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या होगा, डी वी अपॉन क्या होगा, डी टी। वी का वैल्यू रखे हैं, देखो वी का वैल्यू ए रखेंगे, ए नहीं रखेंगे, कॉन्स्टेंट नहीं रखेंगे, हम वेरिएबल वाला वैल्यू रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ वी का वैल्यू रखो 4t³ - 2/3 t, है ना, प्लस 4। अगेन इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 4 12, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12 t² - 2/3। ये एक्सेलेरेशन आपको मालूम चल गया। अब क्या करना है, डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, अगेन एट क्या होगा, एट टी इक्वल टू जीरो एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड क्या होगा, इनिशियल एक्सेलेरेशन। तो इनिशियल ए आई इक्वल टू क्या लिखोगे, ए एट टी इक्वल टू जीरो, ये कितना मिला, -2/3 m/s, ठीक है। तो इनिशियल एक्सेलेरेशन आपको क्या मिल गया, -2/3 मालूम चल गया। अब अपने को क्या करना है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी कैलकुलेट करना है, तो हम आसानी से कंसीडर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, टी इक्वल टू 1 सेकेंड कितना होगा, 1 का वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 12 - 2/3 कितना हो जाएगा, 34/3 m/s², है ना, सॉरी m/s² होगा, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन क्या हुआ, 1 सेकेंड पे भी मालूम चल गया। तो अब क्या है, यहाँ देखो यहाँ ट्रेंड लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, माइंड में रखना है इसको, कि यदि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, देखो क्या होगा, यदि क्या होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक बार क्या करोगे इसको, डी ऑफ डी टी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, है ना, ठीक है। और एक बार इसको वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे, डी ऑफ वेलोसिटी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टी, तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलेरेशन। तो क्या ये पॉसिबल है कि यदि एक्सेलेरेशन दिया हुआ है तो हम क्या करें, रिवर्स पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल है कि एक्सेलेरेशन दिया हुआ हो तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें और वेलोसिटी दिया हुआ हो तो हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लें, क्या ये रिवर्स पॉसिबल है? हाँ, ऑफकोर्स पॉसिबल है, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यदि क्या होगा, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एंटी डेरिवेटिव पढ़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं,
इंटीग्रेशन बोलते हैं. आई मीन इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होगा, डिफरेंशिएशन. क्या है, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. आई मीन क्या है, यदि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो क्या उस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं. ठीक है, क्या पढ़ते हैं, हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं. ठीक है, तो आइए अब हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे. तो यदि क्या होगा कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया होगा तो क्या करेंगे हम, उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आई मीन उस फंक्शन को रिकवर कैसे करेंगे, उसको देखते हैं. जैसे क्या दिया हुआ है कि क्या है, लेट, देखो क्या दिया हुआ है, आई मीन क्या दिया हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया, कैपिटल एक्स. इसका मतलब क्या है कि y को हमने जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो क्या मिला है, कैपिटल f ऑफ x मिला है, स्मॉल f ऑफ x नहीं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. और इसको केवल क्या है, ये y है, y कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो dy अपॉन क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x dx, ऐसे लिख सकते हैं. और फिर क्या करेंगे, जब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आई मीन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन. ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है, f ऑफ x dx. इसको क्या पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x. क्या पढ़ेंगे, ये सिंबल किसका है, इंटीग्रेशन का है, ये साइन इंटीग्रेशन का है. किसका साइन है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है. तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या पढ़ेंगे, f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू क्या पढ़ेंगे, x. तो देखो यदि क्या दिया हुआ है, किसी भी y का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, कितना, f ऑफ x. तो हम इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, y को फिर से रिकवर कर सकते हैं. ठीक है, क्या है, y को हम क्या कर सकते हैं, फिर से रिकवर कर सकते हैं. तो यही क्या है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है. तो इसको एक किसका सिंबल है, इंटीग्रेशन का है ना, जब जस्ट स्नेक लाइक, क्या है, सांप की तरह, सांप की तरह क्या है इसका, ये सिंबल है, आप याद रखना है ना. तो ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है. अब क्या है, जिस तरह मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन का कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ना, यदि वो आपको याद है तो आप आसानी से डिफरेंशिएशन सॉल्व कर सकते हैं. उसी तरह इंटीग्रेशन का भी क्या है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको आपको क्या करना है, माइंड में रखना, आई मीन उसको याद रखना है ना. और मैं जो बताऊंगा कि नहीं, इसका यूज बहुत ही ज्यादा फिजिक्स में है, तो आपको तो उसको याद रखना ही है ना. कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जिसका थ्रू आउट फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो जब मैं उसको बोलूंगी नहीं इसका सबसे ज्यादा यूज है, तो आप उसको क्या करना है, उसको रट जाना है, याद कर जाना है पूरा, है ना. अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे दिया हुआ है कि, और इंटीग्रेशन को हम आई से भी डिनोट करेंगे. ठीक है, क्या होगा, देखो तो दिया हुआ है कि वाई इक्वल टू हम लिखें, आई मीन क्या होगा, इंटीग्रेशन, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, एक्स रेज टू एन क्या है, डी एक्स. क्या है, एक्स रेज टू एन और क्या है, डी एक्स. ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है ना. इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, आई मीन पॉलिनोमियल फंक्शन. कोई जरूरी नहीं पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, एन का वैल्यू इंटीजर ही होना चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सिंपल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आई मीन वाई इक्वल टू क्या है, एक्स रेज टू एन डी एक्स. ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, देखो ध्यान से क्या करना है, एक्स का पावर क्या करना है, एक बढ़ा देना है. एक्स के पावर क्या लिखना है, एन प्लस वन. क्या करना है, x के पावर पहले कितना था, n था, अब हमने क्या लिखा, n प्लस वन. उसके बाद क्या करना है, जितना पावर 1 इंक्रीज करने के बाद मिला उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है, बस हो गया, सिंपल है. प्लस हम क्या करेंगे, एक c ऐड कर देंगे, c आई मीन कांस्टेंट. इसको हम क्या पढ़ते हैं, कांस्टेंट. तो क्या दिया हुआ है, x रेज टू क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ, एन दिया हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे ही हमने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज किया, यहाँ इंटीग्रेशन साइन नहीं लिखेंगे, जैसे ही हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन साइन
नहीं लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, x is to n plus 1 divided by क्या हुआ, n plus 1। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए देखो है ना, कि आपसे कोई पूछे कि y इक्वल टू, इसको सॉल्व करो x रेज टू 5 dx है ना, x रेज टू क्या है, तो देखो तो इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ पावर क्या है 5 है, तो पहले क्या करना है मुझे, पावर को 5 प्लस 1 लिखना है, डिवाइडेड बाई क्या करना है 5 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्यों ऐड करते हैं बाद में मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हुआ, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y इज इक्वल टू, आई मीन इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ, x रेज टू 5 dx इक्वल टू क्या हुआ, x रेज टू 6 अपॉन क्या हुआ 6 प्लस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन आई मीन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x रेज टू 1 बाई 2 dx। तो क्या लिखेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, पावर बढ़ाएंगे, पावर कितने से इंक्रीज करना है 1 से, तो क्या लिखेंगे, x के पावर 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, हमेशा c ऐड करना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, y कितना होगा, x रेज टू 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस क्या हुआ c, आई मीन क्या हुआ 2 बाई 3 x के पावर 3 बाई 2 प्लस क्या हुआ c, ठीक है। तो ये हुआ। तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन x के पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स, अगेन क्या करना है, x के पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, हमेशा क्या करना है आपको ऐड करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x रेज टू 1 बाई 2 अपॉन माइनस 1 प्लस 2 बाई 2 प्लस c, ये कितना हो जाएगा 2x के पावर 1 बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा c, तो x रेज टू माइनस 1 बाई 2 dx, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन t के पावर 5 dt, यहाँ क्या है डिफरेंसी इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू क्या है t दिया हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं t के पावर 6 अपॉन क्या होगा 6 प्लस क्या होगा c, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लो है ना, अगेन यदि दिया हुआ है t के पावर 9 dt, तो हम क्या लिख सकते हैं t के पावर 9 अपॉन सॉरी t के पावर 9 प्लस 1 अपॉन क्या होगा 10 प्लस c, आई मीन क्या होगा t के पावर 10 अपॉन क्या हो जाएगा 10 प्लस, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, केवल आपको क्या करना है, पावर फार्मूला यूज करते हैं, आई मीन क्या करना है पावर 1 इंक्रीज करके, और फिर क्या करना है आपको जितना पावर आ रहा है उसे क्या करना है डिवाइड करना है। दूसरा इसमें टाइप जो होगा वो क्या होगा, टाइप 2, ठीक है, कि यदि क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी के पावर क्या होगा एन डी एक्स, है ना। यहां क्या करना है पहले ध्यान से देखो, अगेन क्या करना है आपको पावर फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या लिखेंगे एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, और जो x का कोएफिशिएंट है उसे क्या करना है आपको क्या करना है डिवाइड कर देना है, तो हमने क्या किया डिवाइड कर दिया तो प्लस c, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है 2x प्लस 3 के पावर 5 dx इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस 3 के पावर कितना होगा 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 इनटू x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस c, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 के पावर कितना हो जाएगा 6 अपॉन कितना हो जाएगा 12 प्लस c, ठीक है। कितना हुआ 12 प्लस c हो गया। उसके बाद आप देखेंगे क्या है, अगला एग्जांपल देख लो कि दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन ये दिया हुआ है क्या ax प्लस b के पावर 1 बाई 2, इसको भी क्या करना है थोड़ा सा आप अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा ax प्लस b के पावर माइनस 1 बाई 2 dx, और फिर फार्मूला यूज कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा
ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू प्लस वन इंटू ए, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, टू अपॉन ए इंटू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी के पावर क्या हो जाएगा, वन बाई टू प्लस सी। ए आंसर आया है ना इसका इंटीग्रेशन, ए एक्स प्लस बी के पावर क्या होगा, वन बाई टू। तो आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन क्या है स्टैंडर्ड, आपको यदि रिजल्ट मालूम है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। और इसके बस आज की क्लास में इतना है, इसके बाद हम क्या करेंगे और भी क्या करेंगे, जितने भी इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको लिखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और सम देखेंगे। ओके, थैंक यू।